ये विषय अनुसंधान का है, पुलिस का मामला लीगल है, मामला जो है न्यायिक है। आप उसको धार्मिक बना रहे हैं। आप किसी के सर काटने के 50 लाख मतलब देश में कानून नहीं है क्या? मैं कांग्रेस को नहीं मानूंगा, बसपा को मानूंगा, ये अपराध है क्या? कोई अगर धर्म का चोला पहन रखा है और वो अधर्मी शब्द का प्रयोग करता है तो उसे मैं पाखंडी मानता हूँ, उसे मैं मक्कार मानता हूँ। तो धर्म धर्म तो केजरीवाल ने भी खेला है, धर्म धर्म तो भाजपा ने भी खेला और धर्म धर्म कांग्रेस ने भी खेला। भारत की राजनीति में रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई की बात नहीं होगी। जब बात होगी तो कृष्ण भगवान का मैं अवतार हूँ, तो राम का मैं अवतार हूँ, तो परशुराम का मैं अवतार हूँ, तो ये क्या ड्रामा हो रहा देश में? स्वागत है आपका जनहित आवाज में, मैं हूँ आपके साथ पूजा। आज यहाँ जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और हमारे साथ है यहाँ पर हाफिज गुलाम सरवर जी। और सबसे पहले तो आप अपना अध्यक्ष पद का भी बता दीजिए, किसकी? मुस्लिम मोर्चा से शायद अध्यक्ष? यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। तो आज यहाँ जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ यहाँ जो इतना बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया है, तो क्या कुछ मुद्दे रहे हैं ये सबसे पहले आप? देखिए, इसमें प्रमुख रूप से एक मुद्दा जो अयोध्या के कथित संतों के द्वारा पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी को जान से मारने की धमकी और उनके सर पर 50 लाख का इनाम, इसकी घोषणा की गई है। भारत जैसे स्वतंत्र देश में इससे पहले भी कई इस तरह की घटनाएं हुई, जैसे नूपुर शर्मा का मामला था, जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकत की उसका विरोध किया गया। तो निसंदेह जब हम अपने धर्म में रहते हुए, मैं मुस्लिम हूँ, इस्लाम का पैरोकार हूँ, और मेरे धर्म के लोग भी अगर किसी व्यक्ति विशेष पर सरकलम के लिए इनाम रखते हैं तो हम लोग विरोध करते हैं। भारत में ये डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कानून का राज है, यहाँ कोई धर्म का राज नहीं है साहब। ये कोई अफगानिस्तान नहीं है कि आदेश आ जाएगा किसी खलीफा का। यहाँ जो कुछ भी होगा उसकी एक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया है। तो यदि राजेंद्र पाल गौतम ने, राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ पहाड़गंज थाने में FIR भी हुआ था, आप लोगों ने कवर भी किया, तो FIR हुआ तो पुलिस अनुसंधान करे कि 22 प्रतिज्ञाओं के समय, जिस समय वो प्रतिज्ञाएं ली जा रही थीं, क्या राजेंद्र पाल गौतम ने कोई आपत्तिजनक शब्द कहे थे क्या, किसी धर्म विशेष की भावनाओं को आहत किया था क्या, कि या किसी धर्म पर सीधा सीधा कोई प्रहार किया था क्या, इत्यादि इत्यादि। ये विषय अनुसंधान का है, पुलिस का मामला लीगल है, मामला जो है न्यायिक है। आप उसको धार्मिक बना रहे हैं और आप अयोध्या की धरती से आदेश जारी कर रहे हैं कि अगर राजेंद्र पाल गौतम का सरकलम कर दोगे तो 50 लाख रुपए का इनाम देंगे। अरे भैया, 50 लाख देना ही है तो किसी गरीब गुरुवा को दे दो, किसी झोपड़ी में रहने वालों को दे दो, मकान बन जाएगा, किसी भूखे को दे दो उसका पेट भर जाएगा, किसी की नंगे को दे दो उसके तन पर कपड़ा आ जाएगा। आप वेलफेयर में लगा दो 50 लाख रुपये। आप किसी के सर काटने के 50 लाख मतलब देश में कानून नहीं है क्या? अब आप सर काटेंगे बैठकर पैसे दे देकर? इतिहास साक्षी है कि बौद्धमय भारत को समाप्त करने में भी सरकलम करने के मामले सामने आए थे। आज फिर जब बौद्ध मत की ओर लोग जा रहे हैं, स्वतंत्र भारत में सबको यह आज़ादी है वो अपने इच्छा अनुसार अपने धर्म और मत का चयन करें, वो चुने कि उसे कौन से धर्म में शांति सुकून अमन मिलता। अगर किसी को बौद्ध मत स्वीकार करने में सुकून और शांति मिलती है वो स्वतंत्र है, वो जा सकता है। अब बौद्ध मत स्वीकार करने के लिए, चूंकि बाबा साहब ने 1956 में जब बौद्ध मत स्वीकार किया था, हिंदू धर्म का परित्याग किया था, तो इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया था, तो वो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा दोहराई गई हैं। आज भी ये प्रचलन है, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो जब भी मंचों पर आते हैं तो उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। तो तब अपराध नहीं था, तो अब अपराध कैसे हो गया? और अगर तब अपराध था 56 में, तो तुम बाबा साहब का फोटो लेकर क्यों घूम रहे हो? तुम बाबा साहब की प्रतिमा क्यों लगा रहे हो? तुम बाबा साहब की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण क्यों कर रहे हो? अपने ऑफिस में, दफ्तर में बाबा साहब की तस्वीर क्यों टांग रहे हो? रैलियों में और संगोष्ठियों में, सेमिनारों में, तो भगवान का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं ना? बाबा साहब अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञा है वो वही है जिसको राजेंद्र पाल गौतम जी ने दोहराया था। नहीं, पार्टी के केजरीवाल जी वो बाबा साहब की फोटो लगाते हैं लेकिन भगवान का अपमान नहीं कर रहे हैं। नहीं, तो राजेंद्र पाल गौतम कहाँ अपमान कर रहे हैं? 22 प्रतिज्ञाओं में एक संकल्प है,
अपमान नहीं, संकल्प है कि मैं आज के बाद उन देवी देवताओं को नहीं मानूंगा जिनको सनातन धर्म में माना जाता, मैं नहीं मानूंगा। अरे साहब, मैं अगर नहीं मानूंगा ये कहना कौन सा अपराध? मैं भाजपा को नहीं मानूंगा, आम आदमी को मानूंगा। मैं आम आदमी को नहीं मानूंगा, कांग्रेस को मानूंगा, यह अपराध है क्या? मैं कांग्रेस को नहीं मानूंगा, बसपा को मानूंगा, यह अपराध है क्या? मैं अमुक को नहीं मानूंगा और अमुक को मानूंगा, ये स्वतंत्रता तो मुझे है ही संविधान में, तो फिर यह अपराध की श्रेणी में कैसे आ गया? साहब, ये मेरी मर्जी, मेरी इच्छा है कि मैं अमुक अमुक देवी देवताओं पर अपनी आस्था प्रकट नहीं करूंगा। ये तो इस्लाम वाले भी नहीं करते, तो सबका सरकलम करोगे क्या? ये तो क्रिश्चियन भी नहीं करते, तो उनका भी सरकलम करोगे क्या? ये तो ईसाई सिख भी नहीं करते, उनका भी सरकलम करोगे क्या? ये तो जैन ही नहीं करते, जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो स्वयं जैन धर्म के अनुयायी हैं। क्या जैन धर्म के लोग गौरी, गणेश, शंकर और भगवान राम और कृष्ण की पूजा करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो क्या वो भी अपराध करते हैं? अनेकों इस तरह के प्रश्न हैं, इसका भी उत्तर अयोध्या के उन कथित साधुओं को भी देना चाहिए। अच्छा, संत जो पढ़े लिखे बताए जाते हैं, इतना ज्ञानी ध्यानी होते हैं, वो सर कलम करने की बात करें, उनकी ये भाषा जातिगत गुंडागर्दी कर रहे हैं, यानी कि जो साधु संत है वो भी गुंडागर्दी करने लगे हैं? अब क्या देखिए, जो रियल में वास्तविक संत हैं, वास्तविक धर्मगुरु हैं, उनसे इस तरह की उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं और ऐसा होता भी नहीं। ये कुछ कथित तौर पर संत का चोला पहनकर ये धर्म की आड़ में संपत्ति का अर्जन, धन का अर्जन, 50 लाख रुपया इनाम देने के पैसे कहाँ हैं भाई? 50 लाख रुपया कैश रखना आर्थिक अपराध है या नहीं? किसी व्यक्ति के पास अगर 50 लाख रुपये का मान कैश हो तो ईडी की छापा वहां होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो क्या अयोध्या के उस कथित संत के यहाँ ईडी का छापा होगा? 50 लाख रुपया है ना भाई इनाम का, मान लो मैं सर कलम कर देता हूँ, मान लो तो 50 लाख मुझे वो देंगे ना कैश एक मिनट में? भाई संतरी चोला पहना है, उनके पास ईडी नहीं जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो गलत है और वो संत नहीं है। ऐसे लोगों को हम संत नहीं मानते। ये लोग संत के भेष में, साधु के भेष में ये लुटेरे हैं, ये धर्म के भी मैं कह रहा हूँ साधु के भेष में, कोई अपमान नहीं साधु के। अरे तो रावण भी तो साधु के भेष में आए थे सीता हरण करने, उन्हीं के धर्म के कहानी को तो सुना रहा हूँ मैं। तो साफ चोला पहन लेने से पोती परिपरी जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। तो आप प्रेम की बात कीजिए ना, आप मैंने सद्भाव की बात कीजिए ना, आप प्यार मोहब्बत की बात कीजिए ना, आप अमन शांति की बात कीजिए ना, आप भाईचारा की बात कीजिए ना, आप जाति विहीन समाज की बात कीजिए ना, आप समता समानता की बात कीजिए ना साहब, आप मैंने मारो काटो लूटो ये बात करेंगे? आपको इसी के लिए धर्म का चोला पहनाया गया है? तो ऐसे धर्म का चोला पहने हुए उन तमाम धर्मों की बात करो, मैं एक धर्म को कभी नहीं टारगेट करता। कोई अगर धर्म का चोला पहन रखा है और वो अधर्मी शब्द का प्रयोग करता है तो उसे मैं पाखंडी मानता हूँ, उसे मैं मक्कार मानता हूँ, उसे मैं गलत व्यक्ति मानता हूँ, समाज का दुश्मन मानता हूँ। अच्छा, आप ये मानते हैं पिछले 8 सालों में धर्म को ही मुद्दा बनाया गया है या धर्म ही मुद्दा रह गया है? दुर्भाग्य से आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, दुर्भाग्य से ये आरोप तो भाजपा पर लगता है कि वो धर्म की राजनीति करती है, लेकिन क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी, कई दलों के नाम में पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया थे अखिलेश यादव, भगवान परशुराम का मूर्ति लेकर घूम रहे थे, यहाँ स्थापित करूंगा, यहाँ पार्क बनाऊंगा, यहाँ, याद होगा आपको। केजरीवाल जी लगातार हनुमान चालीसा टीवी पर पढ़ रहे हैं लगातार, उसके बाद उन्होंने कहा जब चुनाव जीता तो उन्होंने बयान दिया कि हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीता, जनता के वोट से नहीं जीता। अब उन्होंने बयान दिया गुजरात में कि मैं जो पैदा हुआ वो जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ और कृष्ण भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। फिर उन्होंने बयान दिया कि लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर नोट पर छपवा दो। तो आरोप तो भाजपा पर लगा, लेकिन ये सब के सब राहुल जी पर भी आपको पता होगा, वो निका शिव भक्त हूँ मैं, जनेऊ धारी हूँ मैं। अरे राजनीति में आपको ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ? अरे जितने लोग पैदा हुए हैं ना वो अवतार हैं, जन्माष्टमी के दिन पैदा। उन्होंने कहा कंस का नाश करने के लिए पैदा हुआ, तो कंस कौन है आपके लिए? कंस क्या ऐसी समाज है क्या? कंस क्या मुस्लिम है क्या? दिल्ली दंगे में मुस्कुरा रहे थे केजरीवाल, तबलीगी जमात को कोरोना का क्या कहते फैलाने वाला षड्यंत्रकारी मान रहे थे केजरीवाल। तो धर्म धर्म तो केजरीवाल ने भी खेला है,
धर्म धर्म तो भाजपा ने भी खेला और धर्म धर्म कांग्रेस ने भी खेला, किसी ने बख्शा नहीं है। तो भारत की राजनीति में रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई की बात नहीं होगी। जब बात होगी तो कृष्ण भगवान का मैं अवतार हूँ, तो राम का मैं अवतार हूँ, तो परशुराम का मैं अवतार हूँ। तो ये क्या ड्रामा हो रहा देश में, कोई जो है जनऊ दिखा रहा, कोई गिराओ कपड़ा दिखा रहा, अजीब चाहते हैं ना लोग। ये आरोप केवल भाजपा पर न लगाया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाने के पथ पर ये तमाम दल भी उनके साथ हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ भारत के उन तमाम लोगों से जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संवैधानिक व्यवस्था को बचाना चाहते हैं, यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना चाहते हैं यदि, तो इन तमाम दलों का बहिष्कार करना होगा। विशेषकर मुसलमानों से कहता हूँ, भाजपा को हराने के नाम पर केजरीवाल के गोद में जाने की कोशिश न करें। ये ए है, वो बी है, वो सी है, ये सब एक लाइन से टीम है, ठीक है। कोई राम भक्त है, कोई कृष्ण भक्त है, कोई हनुमान भक्त है, सब कुल मिलाकर धर्म धर्म का खेल खेल रहे हैं। हमें चाहिए रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई। और केजरीवाल जी, आपको याद होगा, आप जब आए थे अन्ना जी की टोपी पहनकर, तब आपने यही कहा था, मैं शिक्षा बेहतर करूंगा, मैं स्वास्थ्य कहाँ कर दी शिक्षा, मॉडल कहीं मॉडल नहीं। मेरे साथ चलिए, आप लोग मेरे साथ चलिए, 100 स्कूल दिखाऊंगा। उर्दू के टीचर नहीं तो संस्कृत के टीचर नहीं तो पंजाबी के टीचर नहीं, टीचर ही नहीं। 3000 बच्चे एनएफसी के हाई स्कूल में हैं, जो जोगाबाई बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें 3000 बच्चे हैं, और जो कैपेसिटी है, और 6000 बच्चे का एडमिशन है। ज़रा बताइए तो क्या मॉडल है, 6000 बच्चे कहाँ जाएंगे। बाथरूम में का पानी बरामदे पर रहता है, मैं उसमें एसएमसी का वीसी हूँ। स्विमिंग पूल बनवाए हैं आप बोल रहे, बाथरूम कोई पूल नहीं है, मैदान में गड्ढा है, गेट पर माने कोई माहौल नहीं है, बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, 100 नंबर कॉल हो रहा है, पेरेंट्स के पांव तोड़े जा रहे हैं। ये मैं जोगा भाई की अभी एक बात कर रहा हूँ, आगे बहुत बात करूंगा। स्कूल के प्रांगण में हत्या हुई मंगोलपुरी में, क्या सिक्योरिटी है, क्या सुरक्षा है, बहुत ज्यादा। मैं ये ड्रामा 4 स्कूल बनाकर एक मनीष सिसोदिया ने अपने क्षेत्र में बना लिया, सब मेहमान को ला के वही दिखा रहा। अरे वो स्कूल भी तो दिखाओ जहाँ बच्चे को बैठने की जगह भी अभी नहीं है, उस स्कूल को आप क्यों नहीं दिखाते। दूसरी बात है कि अब पोल्यूशन का नाम आया, प्राइमरी स्कूल बंद, फलां स्कूल बंद, कोरोना में बंद, तमाम बीमारियों में बंद, तो पढ़ाई कब होगी। नहीं, कौन सी बीमारी है, किसने लाया इस बीमारी को, केजरीवाल से यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। मौलाना साद ने लाया या तुमने लाया। ये जब फरवरी के महीने में, दो फरवरी 2019 में चीन से आ गया था एक लड़का, केरल में पॉजिटिव था और वो मर भी गया, तो आया चीन से और लाया तुमने निजामुद्दीन मरकज में। केजरीवाल और अमित शाह मिलकर मौलाना साद को विलन बनाया और हाफिज गुलाम सरवर को विलन बनाया। 56 घंटे जी न्यूज ने मुझे, मेरा स्टिंग ऑपरेशन चलाया तबलीगी जमात को बचाने, अरे मैंने मानवता को बचाने के लिए काम किया। उस लॉकडाउन में जहां इंसान इंसान को देखना पसंद नहीं करता था, मैंने 20 नॉन मुस्लिम के दाह संस्कार अपने हाथों से किए, 20 मुसलमानों के कफन दफन किए, और 200 से अधिक लोगों को, फंसे हुए लोगों को मैंने गंतव्य तक पहुंचाया। मेरा स्टिंग ऑपरेशन करके चलाया गया कि ये भी विलन है, यानी मानवता की सेवा करने वाला विलन, और जो मानवता को कलंकित करे वो हीरो। तो ये पैमाना नहीं चलने वाला कि आप जो मानवता की सेवा करें उसको आप विलेन बना दें, और जो मानवता को तार तार कर दे वो आपका हीरो हो जाए, जो महापुरुषों को गाली दे दे वो हीरो हो जाए। यही सब आजकल किया जा रहा, किसी धर्म को गाली दे दे वो हीरो हो जाए, और जो सही बात करे उसको भी घेर लिया जाए। अभी राजेंद्र पाल गौतम को क्या कहकर घेरा जा रहा है, यही कहकर तो घेरा जा रहा है कि तुमने ये क्यों कह दिया, हमारी व्यवस्था को क्यों नहीं स्वीकार किया, उस व्यवस्था को क्यों नहीं स्वीकार किया जिसमें माता सावित्री बाई फूले के बदन पर गोबर फेंका जाता था, कि तुम शिक्षा क्यों दोगे। उसी व्यवस्था को तो ये चाहते हैं ना लागू करना। अभी जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं वो उन्हीं व्यवस्थाओं के खिलाफ है, तो आप क्या चाहते हैं उस व्यवस्था को जिसमें एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया था, आप क्या चाहते हैं उस व्यवस्था को जिसमें शंभुक की हत्या कर दी गई थी, आप क्या चाहते हैं उस व्यवस्था को जिसमें माता सावित्रीबाई फूले को अपमानित किया गया था। नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, समय समाप्त हो चुका है। अच्छा, अभी आपने कहा कि हर पार्टियों का बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन वो पूरे भारत की जनता के द्वारा चुनकर, उनके मतों के द्वारा चुनकर आती है ये पार्टीज, तो वो कैसे देखते हैं आप, अभी आप कह रहे बहिष्कार करें। देखिए, मुसलमान कंफ्यूज है, और दलित कंफ्यूज है, और कंफ्यूज क्यों कंफ्यूज रहता है हमेशा मुसलमान, इनके नेताओं के कारण ये कंफ्यूज है।
मुसलमान कंफ्यूज है कि उसके दिमाग में ये भर दिया गया कि भाजपा सिर्फ सांप्रदायिक पार्टी है और जो भाजपा को हरा देगा तो सांप्रदायिकता समाप्त हो जाएगी। तो भाजपा को हमने दिल्ली में हराया, सांप्रदायिकता समाप्त नहीं हुई, दिल्ली जल गया, दिल्ली में दंगे भी हो गए और उस दंगे में केजरीवाल दांत खिसोर कर 32 दांत दिखाकर हंस रहा था। एक भी पीड़ित परिवार के घर नहीं गया, वो किसी दंगा प्रभावित क्षेत्रों का उसने दौरा नहीं किया आज तक, ना कंपनसेशन किसी को उसने दिया। और केजरीवाल की सरकार के आने के बाद वक्फ बोर्ड की ऐसी तैसी हो गई, उर्दू एकेडमी को समाप्त कर दिया पूरी तरह से, अयोग्य व्यक्ति को उसका चेयरमैन बना दिया गया जो केजरीवाल की चमचागिरी करे, उर्दू के विकास तरक्की से उसका कोई लेना देना नहीं, उर्दू अलीफ रे दाल वाव उसको लिखना भी आता कि नहीं आता इसका भी हमें नहीं ज्ञान है, लेकिन मुझे पता चला कि वो उर्दू नहीं जानता जिस व्यक्ति को उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बना दिया गया। इसी तरह अल्पसंख्यक आयोग प्रभावहीन है, इससे पहले खान साहब को बनाया था, खान साहब ने एक नोटिस जारी कर दिया केजरीवाल के खिलाफ कि भाई तुमने जो बयान दिया वो अल्पसंख्यकों के हितों को ठेस पहुंचा रहा, खान साहब की छुट्टी कर दी गई, एक मंसूरी साहब को लाया गया, जय केजरीवाल, तय केजरीवाल, सुबह केजरीवाल, शाम केजरीवाल, दोपहर केजरीवाल, सोना है केजरीवाल, उठना है केजरीवाल, जागना है केजरीवाल, जो केजरीवाल केजरीवाल करेगा उसी को केजरीवाल जो है कुछ बनाएंगे। हम कहते हैं जय समाज तय समाज। नफरत क्यों हो रही है? नहीं, नफरत केजरीवाल ने जो बातें की थी चुनाव से पहले ठीक उसके विपरीत दिशा में वो चल पड़े तो नफरत का क्या मतलब? विरोध हो रहा है ना। मैं पूछता हूँ ना केजरीवाल से, आज फिर 2 साल के 3 साल के बाद पूछता हूँ, बताओ केजरीवाल क्या वाकई कोरोना फैलाने का जिम्मेदार मौलाना साहब थे? जवाब देना पड़ेगा ना अब चुनाव में। और मैं भारत बिहार दिल्ली के मुसलमानों से कह रहा हूँ, चुनाव में भूल मत जाना, मस्जिदों से खींच खींच कर, पकड़ पकड़ कर, गिरफ्तार कर 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 छुपे हुए, जैसे आतंकवादी छुपे हुए, केजरीवाल हम आतंकवादी थे, मौलाना साद आतंकवादी थे, तबलीगी जमात के लोग आतंकवादी थे, तुमने यह दुर्व्यवहार क्यों किया हमारे साथ पहले, इसका जवाब तुम्हें देना होगा। केजरीवाल तुमने उर्दू का सत्यानाश क्यों किया? 8 वर्षों में उर्दू टीचरों की बहाली क्यों नहीं की? यह सवाल केजरीवाल से आप कहते हैं केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं करूंगा अपने समाज का, केजरीवाल से ये सवाल है कि उर्दू टीचरों की बहाली कितनी हुई, उर्दू के विकास और तरक्की के लिए कौन कौन से काम हुए। मुसलमानों मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इनके नेता जब तुम्हारे दरवाजे वोट लेने आए इनको पकड़ के पहले रोको, घेरो और इनसे लिस्ट मांगो। आरटीआई के माध्यम से मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बताएं, मैं पूछ चुका हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे पास तथ्य और प्रूफ है इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो केजरीवाल ने जो जुर्म किया है वो भाजपा भी शर्मिंदा है उस पर, इतना बड़ा जुर्म किसी ने धरती पर नहीं किया अब तक की राजनीति में, कि इमामों को इसने बेचा। लोकसभा चुनाव से पहले इसने कहा सभी मस्जिद के इमामों और उस सेवक को, मुअज्जिन कहते हैं, मुअज्जिन को 20-20-30-30 हज़ार तनख्वाह देंगे। बजरंग दल वाले ने धरना प्रदर्शन किया इसी जंतर मंतर पर, और इमाम को तनख्वाह देगा और पुजारी को नहीं देगा। 3 महीने इसने इमाम को तनख्वाह भी दिया, 2019 की बात कर रहा हूँ, 22 में हूँ मैं अभी, 3.5 साल हो चुके, 2.5 साल, और उस तनख्वाह भी देना बंद किया उसने 3 महीने के बाद, और मुद्दा भी दे दिया भाजपा को। तो बुरा कौन हुआ हमारे लिए? हमारे लिए कौन बुरा हुआ? केजरीवाल क्यों दोगे तुम मस्जिद के इमाम को तनख्वाह जब कमेटी देती ही है? जब मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी तनख्वाह देती है तो तुमने ये ऐलान क्यों तो किया? मौलाना को मिले तो पंडित को भी मिली थी क्या तनख्वाह? नहीं मिली थी ना। तो तुम पंडित को भी देते, मौलाना को भी देते या ना देते, इस चक्कर में पड़ते ही नहीं। तुमने फिर धर्म का कार्ड खेला लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, अब फिर नगर निगम का चुनाव आया, फिर ये आए बाएं साएं कर रहा है। इस ढोंगी, इस झूठे, इस मक्कार नेता के चक्कर में दिल्ली का मुसलमान नहीं आने वाला। अच्छा, अब ये मुसलमान जो है क्या बौद्ध लोगों के साथ भी खड़े हैं? बौद्ध में जो भारत बना, हम उन सबों के साथ खड़े हैं जो संवैधानिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, हम उन सबों के साथ खड़े हैं जो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना चाहते हैं, हम उन सबों के साथ खड़े हैं जो समता, समानता, सम्मान, शिक्षा, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई की बात करना चाहते हैं, हम उन सबों के साथ खड़े हैं जो गरीबी उन्मूलन के लिए योजना बनाना चाहते हैं, हम उन सबों के लिए के साथ खड़े हैं जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए योजना बनाना चाहते हैं, जो सफाई कर्मचारियों के, बाल बच्चों के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं, जो इस देश से गरीबी को वास्तविकता में मिटाना चाहते हैं, जो धर्म का अफीम चटाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने से रोकना चाहते हैं, हम उन समूहों के साथ खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे हाफिज गुलाम सरवर जी। तो जिस तरीके से लगातार दलित मुस्लिम
शख्स को टारगेट बनाया जा रहा है और लगातार उनके ऊपर अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे हैं। हमेशा से जो किया जा रहा है वही दोहराया जा रहा है एक पार्टी के द्वारा। तो लगातार जो केजरीवाल जी अंबेडकर की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ हनुमान चालीसा पढ़ के लक्ष्मी गणेश जी की भी बात करते हैं, तो ये पार्टीज के जो मोहमाया के जाल में जो जनता फंस जाती है, खासकर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग, अपने को कहाँ देखता है, कहाँ हाशिए पे पाता है, वो आप देखिए कि किस तरीके से आपको भरमाया जाता है, वोट पाए जाते हैं और उसके बाद आपको एक बार के लिए भुला दिया जाता है और आपके वादे दावे सब धरे रह जाते हैं उस जनता के लिए जो ये पार्टीज करती हैं। तो उसको आपको खुद देखना होगा कि आपको किस तरफ जाना है। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।